दुनिया की सबसे बड़ा मंदिर वेस्ट बंगाल की नदिया जिला की मायापुर में बनाई जा रही है। इसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो कि 2024 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इस मंदिर की ऊंचाई है 350 फुट, जो कि 6,00,000 स्क्वायर फुट एरिया में फैला हुआ है। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई नित्यानंद महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी किया थे। मायापुर में एक दिन विशालकाय मंदिर की निर्माण होगा, जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाएगी, जो आज सच होने जा रहा है। इस्कॉन फाउंडर श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि कोलकाता से है, उन्होंने इस्कॉन की हेडक्वार्टर मायापुर में स्थापित किए थे, जहाँ पर यह मंदिर बनाई जा रही है। इस मंदिर को बनाने के लिए टोटल 800 करोड़ की खर्चा आएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नायक प्रमोद ब्लॉग्स। दोस्तों, इस्कॉन मायापुर की इस वीडियो में हम देखेंगे पहला इस्कॉन मायापुर को आने जाने की कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है और मेरा जॉइनिंग, दूसरा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, तीसरा पंचतंत्र राधा माधव चंद्रोदय टेम्पल, चौथा भजन पीठ जहाँ पे 24 आवर कीर्तन संकीर्तन चलती रहती है, और लास्ट में हम देखेंगे कि श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की समाधि पीठ टेम्पल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस्कॉन मायापुर आने जाने की कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। इस्कॉन मायापुर नदिया जिला की मायापुर में स्थित है, जो कि हावड़ा जिला में स्थित हावड़ा स्टेशन से 125 किलोमीटर दूर है। जो भी कोलकाता घूमने आता है वो हावड़ा पर ही होटल लेके रुकता है। हावड़ा से मायापुर आने जाने के लिए ट्रेन, टैक्सी, ओला, उबर अवेलेबल है, लेकिन अगर ओला टैक्सी उबर करोगे ना, वो बहुत खर्चा आ जाएगा। इंडिया में ट्रेन जानी सस्ता, सुंदर, मजबूत है और ये काफ़ी सेटिस्फाइंग भी है। हमारा ट्रेन 5:45 बजे था, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा पकड़ के 5:30 बजे तक हावड़ा स्टेशन में पहुँचे। वहाँ से टिकट लेकर हमने ट्रेन में बैठे और जहाँ पर हमको एक इस्कॉन का प्रभु नजर आए, जो कि हमारा आगे के मार्गदर्शक बने। मायापुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। 8:30 बजे हमारा ट्रेन पहुँचा और वहाँ पर उतर कर हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा में इस्कॉन प्रभु के साथ यात्रा की। मायापुर देखने का स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेस, सब स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेस, मतलब वहाँ भगवान के बारे में भी अनुभव हो सकता है और टूरिस्ट लोग के लिए भी देखने का, वर्ल्ड का सबसे फेमस जगह, इस्कॉन का वर्ल्ड का सबसे, जो ताजमहल जो आश्चर्य है, ताजमहल इसके सामने कुछ ही दुनिया का हर एक कंट्री का लोग मिल सकता है, अलग अलग भक्त मिल सकता है, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, सब कुछ मिल सकता है। 4 बजे से उठ के वहाँ से हावड़ा से आए तो कुछ भी नहीं खाए थे, तो भूख लग रहा है और वहाँ पे घूमने गए तो बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए हमको यहाँ से थोड़ा सा भेज में कुछ होटल में खा लेंगे। समोसा और पकड़ी मंगाया, पूरी मंगाया हूँ, पूरी खा के यहाँ से जाएंगे बोर्ड। अरे बाप रे बाप, लंच मिलाने के लिए आपको 10 रुपया देने पड़ेगा, तो हम जाएंगे लंच पे। दोस्तों टिकट मिल गया, अभी जाएंगे। पूरा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम है और ये इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गेम कंप्लीट होने वाला है, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि जाने के लिए पहले हमको मॉन से जाना पड़ेगा, तो ये सबसे और एक खास बात है। वहाँ से मायापुर को जाने के लिए हमको जौड़ांगी रिवर क्रॉस करना होगा। इस टिकट को ध्यान से रखना क्योंकि एग्जिट के टाइम में वहाँ पे टिकट की ज़रूरत होगी, अगर टिकट नहीं होगा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। मायापुर घाट से मायापुर टेम्पल 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप चाहो तो वहाँ से बस जाती है, नहीं तो इलेक्ट्रिक रिक्शा करके आप जा सकते हो। मंदिर को जाते जाते वहाँ पर रास्ते में साइड में हमको एक कपड़ा की दुकान मिला। दोस्तों दोनों भाई अभी एक श्री कृष्णा का 2 ड्रेस लिए, क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो थोड़ा ड्रेस अच्छा रहेगा, तो थोड़ा फील आएगा,
मैंने ब्लू कलर का लिया है और मैंने वोंग का वाइट कलर का दिया हूँ एक ड्रेस। और आपको वैसे इस तरह का इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएगा कहीं से कहीं तक आओगे तो। राधे राधे दोस्तों, फाइनली सारे अपेक्षा के अंत के बाद हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन में। इस्कॉन का संस्था के द्वारा बहुत सारे मंदिर बनाया गया है दुनिया भर में, लेकिन ये जो मंदिर है मायापुरी वर्ल्ड का फेमस है और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर को एंट्री करते ही हमको यहाँ पे जो 4 नंबर गेट ही खुला है इसी पे अंदर आने के लिए। अंदर आते ही यहाँ पे फोर व्हीलर का पार्किंग के लिए भी स्पेस है। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। मंदिर के टोटल हाइट है 350 फुट। मंदिर के ऊपर में है 3 मेन डोम और 8 सब डोम। मेन डोम के ऊपर है सुदर्शन चक्र जिसका डायमीटर है 23 फुट और कलश का हाइट है 15 मीटर। मंदिर के ऊपर रूसियन गोल्डन टाइटेनियम का यूज किया गया है जिसमें कभी भी ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। मंदिर का बाहर यूज किया गया है वियतनाम मार्बल जिसका हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये मंदिर को कूलिंग रखने में मदद करेगी। मंदिर के अंदर मेन टेंपल हॉल में पहले रहेगा गुरु आचार्य परंपरा विग्रह, बीच में रहेगा पंचतत्व मूर्ति और लास्ट में रहेगा राधा माधव और उनके साथी। मंदिर गेट के बाहर दोनों साइड में रहेंगे भगवान जय और विजय का मूर्ति। भगवान जय और विजय महाप्रभु विष्णु की द्वारपाल थे, उन्हीं का विग्रह रहेगा यहाँ पे। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में होगा ऑफिस और स्टोर रूम, फर्स्ट फ्लोर में होगा भगवान के रसोई और ड्रेस रूम और ये इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम से निकलकर थोड़े आगे जाओगे तो आपको दिखेगा पंचतत्व राधा माधव चंद्रोदय टेम्पल। इस मंदिर के अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो आप उसी मंदिर के साइड में एक शू और लगेज स्टैंड है, आप वहां पे अपने मोबाइल और शू रख के जा सकते हो। इस मंदिर में एंट्री करते ही आपको भगवान नृसिंहनाथ नजर आएंगे, उसके बाद उसके साइड में आपको भगवान राधा कृष्ण 8 गोपियों के साथ नजर आएंगे। थोड़े अंदर जाओगे तो आपको पंचतत्व मूर्ति नजर आएंगे। इस टेंपल के वॉल में बहुत सारे गुरुआचार्य के 8 और उनके बारे में लिखा गया है।
मंदिर के पास आपको महाप्रसाद की कूपन भी मिलेगा, आप वहाँ से कूपन ले सकते हो। वहाँ से थोड़े देर चलने के बाद हमें भजन कुटीर मिला, जहाँ पर 24 आवर भजन संकीर्तन चलती रहती है। भजन कुटीर चाल छपर से बनी है, जहाँ पर सामने आपको एक तुलसी का चौरा देखने को मिलेगा। भजन कुटीर में पहले राधा कृष्ण की मूर्ति है, उनके साइड में कीर्तन चलती है। राधा कृष्ण मूर्ति के साइड में वहाँ पर भक्त 24 आवर सीट वाइज भजन कीर्तन करते हैं। लगाया गया है फाउंटेन जो कि बहुत ऊपर तक जा रहा है, और उसके साइड में बैठने के लिए और गार्डन है, एक छोटा सा गार्डन भी है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और इससे का मज़ा भी ले सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ में महाप्रसाद के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे दुकान है। चलो पहले हम ये दूसरा वाला मंदिर मेरे पीछे है, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। भजन कुटीर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम जाके पहुँचे श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के समाधि टेम्पल। इसी टेम्पल के गेट के पास भी शू और लगेज रखने के लिए लगेज और शू स्टैंड है, आप वहाँ पर अपने मोबाइल और शू रख के जा सकते हो। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही आपको श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की एक बहुत बड़ी मूर्ति नजर आएगी, जहाँ पर वो पूजा पा रही है। ये मंदिर 3 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर में आपको श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की मूर्ति, और थोड़े अंदर जाने के बाद आपको चैतन्य महाप्रभु के साथ और भी गुरु आचार्यों की मूर्ति देखने को मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर में घूमने के बाद मैंने फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन म्यूजियम में जाने के लिए आपको एंट्री फीस 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 15 रुपीज़ का एक टिकट लेके मैंने म्यूजियम के अंदर गया, और वहाँ पे श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के लाइफ के बारे में पूरा डिटेल में है, कहाँ पर वो पैदा हुए, किन किन लोगों से उन्होंने मिले, कैसे वो धर्म की प्रचार और प्रसार किए, और लास्ट में उनका देहांत कहाँ पर हुआ, और सारे चीज़ वहाँ पर मेंशन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर में छत नहीं है, लेकिन सेकंड फ्लोर में बहुत सारे गुरु आचार्य की मूर्ति गोल्डन कलर में है, जो कि आप पास में से देख सकते हो, जो कि बाहर से नज़र आते हैं। आपने अगर टोकन लिया होगा तो आपको महाप्रसाद के लिए ऐसे लाइन देना पड़ेगा, तो लाइन में कम से कम 300 से 400 लोग अभी खड़े हैं, तो बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, मायापुरी के इस वीडियो में मैंने डिटेली इन्फॉर्मेशन दे दिया है, फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सोचो कि तो 2024 में ये टेंपल कंप्लीट हो जाएगा, इसका अंदर का व्यू और बाहर का व्यू कितना ऑसम होने वाला है। तो टेंपल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम अंदर में लाइट और विजुअल इफेक्ट के साथ उसका व्यू नेक्स्ट लेवल के होने वाला है। यहाँ आने के बाद एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। तो मायापुरी घूमने के बाद हम गए थे चैतन्य महाप्रभु के जन्मपीठ, माउजीबाड़ी और भी बहुत जगह गए थे, तो आप मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमने वहाँ से वहाँ एक बुक भी ली है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के बारे में और उनके स्पीच है यहाँ पे, जो कि बहुत सारे चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में इधर बताया गया है। और एंट्री करते ही यहाँ पे कीर्तन भजन कीर्तन से पूरा मंदिर कांप रही है। Thank you.